दोस्तों 10 अप्रैल 1912 की बात है। आरएमएस टाइटैनिक 1200 पैसेंजर्स और कुछ क्रू मेंबर्स को इंग्लैंड से न्यूयॉर्क सिटी तक लेकर जाने के लिए रवाना हो गई। और दोस्तों टाइटैनिक के दो नाम थे, पहला तो आरएमएस टाइटैनिक और दूसरा द अनसिंकेबल शिप। दो दिन तक यह शिप अटलांटिक ओशन के ऊपर से बहुत ही अच्छे से आराम से जा रही थी, पर 12 अप्रैल 1912 का दिन था जिस दिन बहुत ही ज्यादा तूफान चल रहा था और बहुत बड़े बड़े वेव्स आ रहे थे ओशन के ऊपर से। और टाइटैनिक का दूसरा नाम था द अनसिंकेबल शिप, इसलिए टाइटैनिक को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। टाइटैनिक शिप बहुत ही आराम से अटलांटिक ओशन के ऊपर से जा रही थी, पर आसमान इतने जल्दी जल्दी बिगड़ने लगा जिसकी वजह से टाइटैनिक को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पर 14 अप्रैल 1912 के दिन टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकरा कर पानी में डूब गया और दो हिस्सों में बट गया। पर सोचने वाली बात तो ये है कि द टाइटैनिक शिप का तो दूसरा नाम द अनसिंकेबल शिप था, तो वो सिंक कैसे हो गया, तो यही हम जानेंगे इस वीडियो में। 14 अप्रैल 1912 की बात है, टाइटैनिक आराम से अपनी रूट से जा रहा था और तूफान भी बहुत ही चल रहा था, पर टाइटैनिक को उतना कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि सब जानते थे कि टाइटैनिक द अनसिंकेबल शिप है। टाइटैनिक शिप का नाम द अनसिंकेबल शिप इसलिए रखा गया क्योंकि जो सेफ्टी फीचर्स का यूज करा गया था टाइटैनिक को बनाने के लिए, उसके हिसाब से टाइटैनिक को द अनसिंकेबल शिप के नाम से जाना जाता था। टाइटैनिक शिप के कैप्टन का नाम था एडवर्ड जॉन स्मिथ, और एडवर्ड जॉन स्मिथ को आगे का कुछ नजारा दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि जिधर से टाइटैनिक जा रहा था उधर बहुत ही फॉग था। उस टाइम टाइटैनिक शिप की स्पीड थी 25 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब है टाइटैनिक शिप बहुत ही स्लो जा रही थी। टाइटैनिक के जो पैसेंजर्स थे उनमें से कोई लोग अपने शौक के लिए टाइटैनिक शिप में जा रहे थे और कुछ लोग को टाइम पर न्यूयॉर्क सिटी तक पहुंचना था, और टाइटैनिक के ओनर का नाम था जे ब्रूस। तो ये बात जब जे ब्रूस को पता चली कि टाइटैनिक की स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर है और तूफान की वजह से न्यूयॉर्क तक पहुंचने के लिए कुछ टाइम और लग जाएगा, तो जैसे उन्होंने ये बात सुनी तो उनका दिमाग खराब हो गया। तो जे ब्रूस ने टाइटैनिक शिप के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ को कहा, टाइटैनिक शिप की स्पीड स्लो मत रखो, थोड़ी बढ़ा के रखो। तो कैप्टन ने टाइटैनिक शिप की स्पीड 40 किलोमीटर पर आर कर दी। बाद में टाइटैनिक शिप के कैप्टन को 6 आइसबर्ग्स की वार्निंग मिल गई, यानी टाइटैनिक जिधर से जाएगी वहां पे 6 आइसबर्ग्स है। टाइटैनिक शिप ने 5 आइसबर्ग्स को क्रॉस तो कर दी और टाइटैनिक के कैप्टन ने टाइटैनिक शिप को रूट से बाहर निकाल दिया, यानी जो फिक्स्ड रूट थी टाइटैनिक शिप की उससे बाहर निकल गया और आगे क्या आने वाला है कैप्टन को कुछ पता ही नहीं था। और उनके सामने एक छठवां आइसबर्ग आ गया जो कि बहुत ही बड़ा था, और एट द एंड हुआ क्या, टाइटैनिक इस छठवें आइसबर्ग से टकरा गई। टकराव के बाद टाइटैनिक शिप पूरी हिल गई और इतनी पावरफुल शिप आरएमएस टाइटैनिक दो हिस्सों में टूटकर पूरे सुनसान अटलांटिक ओशन के बीच में डूब गया। और 14 अप्रैल 1912 में द अनसिंकेबल शिप टाइटैनिक का एंड हो गया। और जब टाइटैनिक शिप दो हिस्सों में टूट रही थी तो टाइटैनिक शिप के अंदर जो पैसेंजर्स थे वो कूद कर पानी में चले गए और पानी का टेम्परेचर था -2 डिग्री सेल्सियस, और जो पैसेंजर्स पानी में थे 5 मिनट के अंदर अंदर उनका एंड हो गया। और टाइटैनिक शिप के अंदर जो लाइफ बोट्स थे उससे वुमेन्स और उनके बच्चों को पहले बचाया गया। कुछ लोग और टाइटैनिक के कैप्टन और कुछ क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स पानी में डूब गए, और जो लोग लाइफ बोट्स में बैठकर बच गए थे उन लोगों को आरएमएस कार्पेथिया नाम की एक शिप ने बचा दिया। और रात को 2:30 बजे तक टाइटैनिक पूरा पानी के अंदर सिंक हो चुका था। और ये स्टोरी थी टाइटैनिक द अनसिंकेबल शिप की। दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और अपने फेसबुक पेज पर शेयर जरूर करें। इन्फॉर्मेशन के डेली डोज के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।